भगवान, सुबह की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ नेनुआ की सब्जी, वो भी चना दाल के साथ। वैसे तो नेनुआ के सब्जी चना के कले चने के साथ भी अच्छे लगते हैं और आलू के साथ भी अच्छे लगते हैं, चने दाल के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो आप बहुत तरह के इसका सब्जी बना सकते हैं नेनुआ का। तो आज मैंने इस तरह से ट्राई किया है, चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। नेनुआ चना दाल के सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नेनुआ और चना दाल। इसको आप 4 से 5 घंटे तक पानी में फूलने के लिए डाल दीजिए दाल को, और तब इसका सब्जी बनाइए तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। तो नेनुआ को हम सबसे पहले इसका छिलका जो पतला वाला है वो उतार लेते हैं। इस तरह से देखिए जो काले काले जो निशान हैं वो आराम से इसमें निकल जाएंगे। चाकू के इस भाग से हमें छीलना है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से ये ऊपर का छिलका हमें छील लेना है। तो नेनुआ को हमने इस तरह से छील करके और धो करके अच्छे से और पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से पतले पतले पीसेस में काट लेंगे। तो इस तरह से हमने पीसेस में काट लिया है, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं सब्जी का। अब एक गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे करीब 2 चम्मच सरसों का तेल। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद है, कुकिंग ऑयल कोई भी यूज कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम फ़ोरन डालेंगे। यहाँ पर मैंने 5 तरह का फ़ोरन यूज किया है, जिसे पचफोरन भी बोलते हैं। सरसों, जीरा, सौंफ, अजवाइन और ये जाएगा इसमें हरी मिर्च, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और साथ ही इसमें जाएगा ये प्याज, मैंने 2 प्याज मीडियम साइज के इस तरह से पतले पतले पीसेस में काट लिया है। अब हम प्याज को और फोरन को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, जब तक ये हमारा प्याज ब्राउन नहीं हो जाए। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम चने की दाल को डालेंगे। इसको हमने पानी से निकाल लिया है, अब इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। साथ ही इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। लाल मिर्च का हम यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कश्मीरी मिर्च का यूज करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे अच्छा कलर आएगा सब्जी में। अब इसमें हम 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल में। अब साथ ही इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक 1.5 चम्मच, नमक आप अपना स्वाद अनुसार इसमें डाल सकते हैं, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। अच्छे से इसमें हम भून लेंगे मसाले को। गैस का फ्लेम हम धीमा रखे हैं मसाले के लिए, लेकिन जब मसाले डाल दिए हैं तो अब उसे हम मीडियम में कर देते हैं। अच्छे से हमारे भून गए हैं, देख सकते हैं कि मसाले कितने अच्छे कलर आ गए हैं। आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है, इसे ज़्यादा स्पाइसी हमें नहीं करना है। अब इसमें हम नेनुआ को डाल देते हैं। अब नेनुआ को हम मसाले में अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल देते हैं, और पानी डाल करके इसे हम 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं सब्जी का कलर बहुत अच्छा आया है, और अभी इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है ग्रेवी। अब इसमें हम डालेंगे लास्ट में धनिया पत्ती, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसे हम डाल के बस 2 से 3 मिनट तक इसको हम रखेंगे गैस पर, उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। हो गए हैं, सब्जी हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं
और एक बॉल में हम सब्जी को निकाल लेते हैं। इसे आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में शेयर कीजिए, और बेल आइकन का घंटी वो प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।